नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं वीआई से रिलेटेड। जी हां साथियों, वीआई सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कंपनियों के दिवालियेपन, जी हां साथियों, दिवालियेपन का वर्ड आपने सुना होगा, जिसमें बहुत सारे लोगों की कंपनियां डूब जाती हैं, पैसा डूब जाता है, तो कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर आ जाती। इंडिया में भी ये कानून है, दुबई में भी ये कानून तो था, लेकिन 2016 की धारा 9 में कुछ बदलाव किया गया। बदलाव क्या किया गया है ये आपको देखने की ज़रूरत है। भाई सरकार, मैं तो ये, हालांकि न्यूज़ अच्छी है, यूएस सरकार ने अच्छा किया है, क्योंकि आपको पता है कोरोना जैसी महामारी में, आपदा में, कठिन परिस्थितियों में कंपनियों के पक्ष में थोड़ा सरकार ने अच्छा थोड़ा बदलाव किया है। डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो करके रखें, ताकि आपको गल्फ कंट्री से रिलेटेड छह इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हम बात कर लेते हैं यूएस सरकार ने, जी हां साथी, यूएस सरकार कैबिनेट ने दिवालियापन जो कानून है उनमें संशोधन करते हुए संशोधन को मंजूरी दी है। जी हां, यूएस जो मंत्रिमंडल है, सरकार है, वो आर्थिक क्षेत्र में बढ़ावे के लिए ये सिस्टम उठाया, कदम उठाया गया है। हमारी प्राकृतिक पर्यावरणीय आपदा, जैसे कंपनी, आपको पता है कोई भूकंप आ जाए, कोई बिजली मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फिर कंपनी घाटे में चली जाए, ऐसे कुछ होते हैं ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं। वहीं से महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने देश में व्यापार क्षेत्र को मजबूत करने के लिए दिवालियापन पर 2016 के कानून 9 में संशोधन को मंजूरी दी है। यह कदम विभिन्न क्षेत्र के रूप में आर्थिक क्षेत्र में कानूनी विधायी ढांचों को अद्यतन रखने के प्रयासों का हिस्सा है। जी हां साथियों, जो अगले 50 साल तक यूएस सरकार का टारगेट रहेगा इसमें अगर सीधी भाषा, सरल भाषा में बात करें, सरकार ने दिवालियापन कानून जो 1916 में बना था 9 की धारा में, उनको थोड़ा संशोधन कर दिया है, क्योंकि ये कोरोना जो चला ना, ये लंबे टाइम तक चल गया, तो इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा किसका होता है, कंपनियों का नुकसान होता है भाई। और कंपनियां अगर इसी तरह से बंद होने लग जाते, किसी देश में लग जाए कि भाई एक कंपनियां घाटे में जा रही हैं, बंद हो रही हैं, तो फिर सिस्टम कहाँ पर टिका, अर्थव्यवस्था पर टिका है। तो सरकार ने इसको संशोधन करते हुए दिवालियापन कंपनी में थोड़ा सा आसानी कर दी है, कि एक तो अगर कोई कंपनी ये चाहती है कि दिवालियापन है, तो दिवालियापन के लिए कोर्ट में आवेदन करना होता है। मैं बता दूं आपको, ऐसे दिवालियापन नहीं, दिवालियापन कैसे होता है, एक तो ये होता है कि कंपनियां पैसा खाने की नीयत से अपने आप को दिवालियापन में दिखा देती है, दिवालिया हो गई जी कंपनी, उसमें लाखों करोड़ का लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं, लोगों की सैलरी है, वो उसको नुकसान में दिखा के दिवालियापन घोषित कर देते हैं, फिर कंपनी वो पैसा खा जाती है। किसी को दिवालियापन घोषित होने के बाद किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं होती, इससे कोर्ट से मंजूरी लेनी होती है। जी हाँ, पूरे बाकायदे केस फाइल की जाती है, उसकी पूरी जांच होती है, उसकी पूरी कमेटी बनती है, पूरे सिस्टम को देखा जाता है, उसके बाद दिवालियापन कोर्ट की तरफ से घोषित किया जाता है कंपनी के खिलाफ में। जी हां, कि भाई ये कंपनी दिवालिया हो चुकी है। इसमें दिवालियापन से बचने के लिए यूएस सरकार ने काफी सारी कंपनियों को, या फिर इस सिस्टम के बारे में इनको ये राहत दी गई है सरकार की तरफ से, कि भाई अगर आप कोर्ट में कोई दिवालियापन की फाइल लगाते हैं, अगर आपको लगता है कि हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए, तो आप कोर्ट में दिवालियापन की फाइल लगा के उसमें आप अपने लेनदारों से आप अग्रीमेंट कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से, भाई एक साल तक आपको टाइम मिल जाए, ताकि आपके ऊपर कोई केस फाइल ना करें, आपकी कंपनी डूबने से बच जाए। सपोज करें कंपनी को लाखों करोड़ का नुकसान हो चुका है और उनको देनदारों को बहुत ज़्यादा पैसा देना है, वो फिर परेशान करना, तो कंपनी बंद होने के कगार पर आ जाती है। तो लेनदार दिवालियापन के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, फिर इसमें एक छूट मिल जाती है एक साल तक की, कि भाई लेनदारों को देनदारों को इसमें आप आदान प्रदान ये है वो रोका जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका कंपनी डूब रही है, तो आपके ऊपर जो लेनदारी है, यानी देनदारी है, उस पर आपको रोक सकते हो, आप उनको न दे के वो पैसा आप अपनी कंपनी में लगा के अपनी कंपनी को आप बचा सकते हो। ये कौन स्टे देगा, ये कोर्ट की तरफ से होगा। फिर जो आपके आपके ऊपर लेनदारी है, यानी जो आपको पैसे मांगने वाले हैं, उनके वो आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकते आपकी कंपनी के खिलाफ में। जी हाँ, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है भाई, कोरोना काल की महामारी जैसी बीमारी में तो सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। डूबती हुई, वो कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए, तो वो स्थिति है। तो दिवालियापन से कंपनियों को डूबने से बचाने के लिए सरकार ने कुछ अच्छी योजनाएं इनके लिए लेके आई हैं, जो कंपनियों के हित में रहेगी। बस जानकारी देनी थी, और भाई कंपनियों के हित में रहेगी तो वर्करों के हित में अपने आप ही रह जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपके भी फायदे का सौदा है। बस जानकारी अच्छी लगी लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।